गाइज, एक बात तो पक्की है कि ये जो मार्च का पूरा महीना रहा है ना, ये रेडमी नोट 7 प्रो के नाम रहा है, इसने आग ही लगा दी है मार्केट में। एग्री करते हो ना मेरी बात से? बट उसी के साथ ना, मेरे को ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये स्मार्टफोन लोगों को नहीं मिला है। मेरे को इंस्टा पे, मेरे को फेसबुक पे, मेरे को हर जगह यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही कॉमेंट देखने को मिलता है, भाई हमें भी रेडमी नोट 7 प्रो दिलवा दो। अगर मेरी चलती तो मैं आप सबको ले देता। बट एक्चुअली में एक कॉमेंट इसके साथ और आया है कि रेडमी नोट 7 प्रो ले लेना चाहिए या फिर रियलमी 3 प्रो का वेट कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में इसी क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा और जो रियलमी 3 प्रो के बारे में लेटेस्ट लीक्स है उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सो प्लीज पूरा देखना वीडियो। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिब और आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल देख रहे हो टेकी ट्विक्स। दोस्तों, जो पहला आपका क्वेश्चन है ना Realme 3 Pro के लीक्स के बारे में, तो आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था कि इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर होने वाला है वो होने वाला है स्नैपड्रैगन का 710 या फिर 712। इन दोनों में से कोई भी प्रोसेसर आ सकता है Realme 3 Pro में। और यहाँ पर पता क्या बात है कि जो Redmi का Note 7 Pro है उसमें हमें स्नैपड्रैगन का 675 देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। पर जो 7 सीरीज के प्रोसेसर है वो इससे भी बेहतर होंगे। उसके बाद आपको इसमें टिपिकल 4GB, 6GB, 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे 64 या फिर 128 GB के साथ। और जो 8GB रैम वेरिएंट होगा उसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ, क्योंकि Redmi Note 7 Pro में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। यहां पर जो नेक्स्ट बड़ा लीक है ना Realme 3 Pro के बारे में, वो ये है कि आपको उसमें मिलेगा माइक्रो USB जैक। हाँ, थोड़ा सा ऑड लगता है क्योंकि Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro में आपको टाइप सी देखने को मिलता है, बट यहां पर आपको Realme 3 में आपको सुपर वूक चार्जिंग देखने को मिलेगी, जैसी OnePlus की डैश चार्जिंग होती है वो चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि रियलिटी में बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। एंड ये मेरी तरफ से बहुत ही बड़ा थम्स अप है। आपका इस बारे में क्या कहना है मेरे साथ शेयर करना। दोस्तों, उसके बाद आपको इस डिवाइस की जो बैटरी कैपेसिटी है वो 4000 mAh से ऊपर मिलेगी, जैसे हमें Realme 3 में देखने को मिली थी 4230 mAh की, तो कुछ ऐसी ही बैटरी आपको देखने को मिलेगी Realme 3 Pro में। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है स्मार्टफोन के कैमराज। ठीक है, प्रोसेसर अच्छा हो गया, यहाँ पर बैटरी ठीक होगी। आपको जो है रेयर में 16+5 MP का कैमरा कम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ना कुछ अजीब करेगा रियलमी, यहाँ पर जो पिक्सल साइज को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर 48 MP से अगर कम्पीट करना है तो उन्हें अपनी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो ना तो पिक्सल का वैसे तो सिंगल कैमरा ही है, बट वो सिंगल कैमरा मैजिक करता है। वो क्यों मैजिक करता है? सॉफ्टवेयर की वजह से। तो अगर थोड़ा बहुत भी सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाता रियल 3 Pro, यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो फ्रंट कैमरा है आपको वहां पर 25 MP का देखने को मिल सकता है, जो कि आपको Realme U1 में देखने को मिला था। यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि 1080p में आपको EIS मिलेगा, 4K में EIS भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो स्क्रीन की बात हो रही है ना, यहां पर यह तो बात कंफर्म है कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है Realme का। यहां पर कुछ रूमर्स ये कह रहे हैं कि आपको इस स्मार्टफोन में IPS डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और कुछ रूमर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको यहां पर AMOLED देखने को मिल सकती है। मेरे ओपिनियन से आपको यहां पर मोस्टली AMOLED देखने को मिलेगी, क्योंकि Oppo का जो K1 है जो 17,000 रुपए का आया था उसमें आपको AMOLED देखने को मिली थी, बट आइदर केस में आपको बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। यहां पर आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, और ना ही आपको कोई पंच होल या फिर कटआउट डिस्प्ले वाला कैमरा देखने को मिलेगा। इस बजट में अभी के लिए ये चीजें हम एड्रेस नहीं कर सकते। दोस्तों, जहां तक बात रहती है कि Redmi Note 7 Pro ले लिया जाए या फिर Realme 3 Pro, देखो भाई, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको आज की डेट में एक स्मार्टफोन की नीड है, आपको जल्दी से कोई स्मार्टफोन चाहिए, तो Redmi Note 7 Pro बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है अगर आपको मिल जाता है। बट यहां पर एक चीज ध्यान दे दो कि ये स्मार्टफोन मिलता ही नहीं है, तो जब तक Realme 3 Pro आएगा तब तक इसकी अवेलेबिलिटी अगर अच्छी है तो हम तब कंपैरिजन तो करेंगे। बट अगर आपका स्मार्टफोन अभी के लिए अच्छा चल रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि डेफिनेटली आपको Realme 3 Pro के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि आपको जो है उस डिवाइस में बिल्ड क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। आपको ड्यूअल ग्लास देखने को मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फ्रंट और बैक। अभी ये 5 होता है, 6 होता है वो हम देखेंगे, और मेटल के रिम के साथ ही ये स्मार्टफोन आने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लेना। कोई भी कमेंट क्वेरी क्वेश्चन
क्वेश्चन है प्लीज़ जो है नीचे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ देना। इस वीडियो में केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।